ये होती है उड़द की दाल, और मैं खाने के लिए ये देखो कितना मस्त लग रहा है यार। लोग अभी 100 रुपए का 2 किलो, 1.5 किलो दशहरी आम। हाँ हेलो, हाँ एसी चल रहा है यार, तभी ये देखो। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब? नमस्कार, सुप्रभात। देखो आज हमारे यहाँ पे आया ततैया, मैंने इसको पानी दिया। पी रहे? नहीं पी रहा, पी रहा है यार। ये देखो इसको भी गर्मी लग गई रे, ऐसे हाँ पर है, देखो पानी पी रहा है। गर्मी इतनी हो रही है क्या बताऊँ मैं अभी आपको। कल रात तो हमारे घर पे ना लाइट ही नहीं थी रात भर। तो देखो ये भी प्यासा है, शायद अभी मेरे मुंह के आगे एकदम से मेरी गोदी में गिरा। मैंने उधर ऐसे हाथ से ऐसे किया, ये इधर आ गया। देखो ये प्यास लग रही है इसको। हाँ ये देखो, फिर ये देखो पानी, ये देखो। अच्छा वो एकदम से गिर गया होगा ना पानी, वो गर्मी के मारे पानी दिया तो पी रहा है। देखो सो गाइस, कल से मौसम थोड़ा लाइट है क्योंकि आज हवा चल रही है, सर में भी तपक तपक क्यों हो रहा है, बट गर्मी तो होगी। इसमें दिखा रहा था 44 डिग्री सेल्सियस गर्मी। गर्मी तो ऐसे ही रोज की तरह। हाँ हवा तो अच्छी चलती है, देखो पेड़ भी हिल रहे हैं ना। अच्छी हवा चल रही है, नींद से आ रही है। मेरे को तो रात भर सोए कहाँ, कल लाइट ही नहीं थी। कन्नू भी आज एकेडमी नहीं गया क्योंकि वो रात भर नींद ही नहीं आई गर्मी की वजह से। गाइस देखो ततैया उड़ गया है, अब भी जस्ट अब भी उड़ा। यहाँ पे तो बिल्ली आ रही है या कुछ आ रहा है। ये देखो ये टूटा नहीं था, मेरा एक पेड़ का पत्ता तोड़ दिया उसने। कैंची से काटने अच्छा। तोड़ गया ना बीच में, कुछ ही कैंची दे तो जरा बाबू। क्या निरीक्षण कर रहे हो उसका? देख रहा हूँ। अच्छा हिलाओ मत भाई, रहने दो वैसे, तुम और जो खराब कर दोगे उसको। कैसे पर्यावरण को आगे बढ़ाया जाए वो देख रहा हूँ ऐसे देख के। तो तुम खराब जो मत करो प्लीज, छोड़ दो रहने दो। हाँ झगड़ते रहते हैं ये, इनका काम धंधा कुछ नहीं है। चलो जल्दी आओ जाओ। गाइस लाल है, लाल है, सारे गमले लाल है। तेरी तरह बना दिए मैं सारे गमले लाल। कहीं रह गए छे तई बती का हैं उज्जा, ये लेने के लिए भेजे थे मैंने तुमको, क्या लेके आ गई इतना सारा? जो लाने के लिए बोला वो हर हर चीज उठा उठा भी ले आएगी। चाहल अच्छा, ये किसने बोला लाने के लिए? खुशी तो माना बोला तू पागल है खुशी। आपको लगता है मैं बोलूंगी लाने के लिए? क्यों लगता है आपको? ये मैं देख बोलूंगा, इतना दिखा उसका रेट दिखा। 20 रुपीज है, दिखाई पर 40। ये क्या? हरी मूंग की दाल और छोले और कौन जो बाजरा लाना है। अच्छा ये तो फ्रोजन है ना, ये तो उबालने हैं खाली और इनको भिगा के रखना है। अगर खाएगा नहीं ना डंडे से मारूंगी तेरे, देख लियो। बच्चे तो आ गए बाहर से घूम घाम के, टाइम हो गया है 12 और मैं बनाने जा रही हूँ आज गांव की बड़ी। आप बोलोगे सोयाबीन की बड़ी? ना ये दूसरी बड़ी होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये होती है उड़द की दाल और क्या बोलते हैं उसको, पेठा होता है ना फल, उसको कद्दूकस करके उड़द की दाल भिगा के भिगो के फिर ये बड़ियाँ बनती हैं। ये इनकी सब्जी भी बनती है और चावल भात में भी खाते हैं। तो ये मैंने भिगाई है, कुछ लाए थे ना गांव से हम लोग, तो इनको अब बनाती हूँ मैं। देखो लहसुन प्याज सब इसमें ग्राइंड करते हैं और टमाटर फिर फटाक से रखते हैं। तो गाइस हमने देखो ग्राइंड कर दिया सब, टमाटर भी और हरी मिर्च लहसुन प्याज सब डाल दिया है। अब इसमें ही मैं नमक मिर्च डाल दूँगी है ना, साथ ही साथ हो जाएगा सब। तो इसमें मैं नमक मिर्च डाल देती हूँ, थोड़ा कढ़ाई चढ़ा दिए, तेल डालते हैं और सबसे पहले ना ये क्या बोलते हैं ये जला दिया हमें। इनको तलना पड़ता है, फ्राई करना पड़ता है इनको, नहीं तो फिर अजीब सी हो जाती है। पहले इनको थोड़ा सा फ्राई करके थोड़ा वो करेंगे, रोस्ट करेंगे। तेल चढ़ा दिया है, थोड़ा इसको गर्म होने देते हैं, तब तक डालते हैं मसाले। 2 मिर्ची डाली है ना, तो थोड़ा मिर्ची कम डालेंगे, देखेंगे बाद में क्या सीन है मिर्ची का। नमक भी थोड़ा कम ही डालेंगे, बाद में देखेंगे। और हल्दी तो कम ही पड़ती है, ये तो फिर थोड़ा कड़वा हो जाता है ना। तो ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब करते हैं इधर ध्यान,
हमारा तेल गरम हो गया है, आप डालते हैं बड़ी ऐसे, ये देखो अब इनको हम तलेंगे। आवाज़ आ रही है ना चिड़चिड़ की, मेरे मुंह पे ना आ जाए कहीं। ओहो ये और ये इनको हल्का हिलाना ही पड़ता है ना, क्योंकि तेल चिपक जाती है नीचे, तो इनको थोड़ा थोड़ा लाल होने देंगे, साँस का इनको देखना पड़ेगा, तो ये कुछ बढ़िया चिपक जाती है। देखो जैसे चिपक गई, चिपकी थी ये ऐसे है ना, ये दो, ये है पहाड़ी स्टाइल वाला खाना। ये जीरा गया ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मेरे अलग है थोड़ा टेक्निक, मैं थोड़ा बेसन है ना, बेसन का ना घोल बनाना पड़ता है, नहीं तो पतला हो जाता है उसका पानी है ना सब्जी का, थोड़ा थिक थिकनेस के लिए। ये तो निकल ही नहीं रहा यार, कैसे होगा। दो चम्मच ना बेसन डाल देती हूँ, इसको डालने से ना थोड़ा स्वाद भी आता है और थिक थिक हो जाता है। अभी इसमें डाल दिया हमने पानी, अभी और पानी डालना पड़ेगा, कम पड़ गया। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे करके, देखो हो गया ना कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। देखो इसकी तरी हो गई है, बड़ी की तरी बनाते हैं इधर, ये देखो। सो गाइस फाइनली मेरी बड़ी बन गई है भात में खाने के लिए, ये देखो कितना मस्त लग रहा है यार। अब बनाती हूँ फटाफट भात और फिर खाएंगे भात में। ये देखो इसमें भट भी डाले मैंने थोड़े से, मस्त हो रहा है यार। आपको कैसा लगा बताना, ये फेवरेट होता है उत्तराखंड का बड़ी भात, बड़ी की सब्जी और भात। गाइस हमने बना दिया है बड़ी भात, तो चलिए अब खाते हैं बड़ी भात। ये देखो अचार ला आ रहा है, और ये है यहाँ का बना हुआ अचार, घर के आमों का, गांव से लेके आए थे जो आम। इसको खोलो तो जरा, तुमने खोली नहीं रहा। ये मेरा बनाया हुआ अचार है, इसका ना मसाला नीचे नीचे बैठ गया, बट खाने में मस्त हो रहा है। अभी डालेंगे खाना, एक वो लेके आ दो इसके लिए, क्या बोलते हैं चम्मच। घर का खाना, घर का स्वादिष्ट भोजन, वो भी पहाड़ी स्टाइल में। मैं छुर पहाड़ी, तू छुरा नड़ी, तेरा हाथ नहीं ओण्या ना तो पिछड़ी, तू छुरा नड़ी, मैं छुरी पहाड़ी। दिन में हमने चलाया कूलर, और बिना कूलर के तो कुछ भी नहीं हो रहा है बाबा। 6 बज गए बताओ, और 6 बजे कैसा हो रहा है, अभी भी धूप ही लग रही है, देखो क्या करें। मैंने कहा कूलर भर के रखती हूँ, रात का जरा आसरा तो हो जाएगा। ओए होए बाहर तो लू चल रही है यार, पानी ले लूँ। चलो गाइस सामान लेके आते हैं, सब्जी। गाइस यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं क्रिकेट, बाहर तो बहुत गर्म हवा चल रही है गाइस। यहाँ पे सदरी है, महफिल, ताश खेल रहे हैं। गाइस बताओ, डॉगी भी अंदर घूम रहा है, एसी की हवा चल रही है क्या ना। हेलो, हाँ एसी चल रहा है यार, तभी ये देखो कैसे बैठा हुआ है, बैठा रहे एटीएम की रक्षा कर रहा है गाइस, ये देखो। चलो अब चलते घर की तरफ सामान लेके। गाइस शाम की चहल पहल, आगे नंदी महाराज जी की पहुँच है, ये देखो यहाँ से शुरू हो गई। ये रहे पेड़ पौधे खा रहे हैं, ये तो खड़े हैं। यहाँ पे बहुत मार्केट लगी हुई है, और आम ले रहे हैं हम लोग, अभी 100 रुपए का 2 किलो, 1.5 किलो दशहरी आम, ये दशहरी आम। गाइज आगे घर पे, अब बनाते हैं नींबू की सिकंजी। सो गाइज सिकंजी हो गई है तैयार, सिकंजी बोलते हैं मुझे गंजी सुनाई दे रहा है ना। ओ काना चला क्या बता, मजा आ रहे होंगे तेरे को हवा में, बस छोड़ दे छोड़ दे।